हेलो गाइस, मेरा नाम जागृति शाह है। मैं उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी से थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ और आप मेरे साथ अगर तंत्र पढ़ेंगे। तो आज हम अगर तंत्र के पार्ट बी के 11th पॉइंट को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो लेट्स गो। सो जो सिलेबस का 11th पॉइंट है, दैट इज़ अबाउट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। तो लेबोरेटरी एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने स्कूल टाइम से सुनते आ रहे हो। स्कूल में फिजिक्स लैब थी, बायो लैब थी, केमिस्ट्री लैब थी, अब यहाँ आ गए तो एनाटॉमी लैब भी है। तो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट डिफरेंट लैब्स होती हैं। लैब्स में मेनली हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, ये बात आप सबको पता है। तो फॉरेंसिक्स में अब लैब का काम क्या है, पहले एक थोड़ा सा जनरल आइडिया लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, आपके पास एक जैसे पेशेंट्स आते हैं, आपके पास बॉडीज आती है, फॉरेंसिक्स से अगर आप डील कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास कुछ केसेस आएंगे, कुछ बॉडीज आएंगी जिसके ऊपर आपको इन्वेस्टिगेशन करना होगा कि क्या हम कुछ जो सस्पेक्ट कर रहे हैं, एक लीगल एक्शन जो हमें लेना चाहिए एक बॉडी के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मान लो सस्पेक्ट ये है कि मर्डर किया गया है या फिर इसके साथ कुछ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके लिए आपको कुछ मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं जो कि एक फॉरेंसिक लैब में परफॉर्म की जाती है, ठीक। और फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है कि अब हम इस बॉडी को या फिर इस बॉडी के साथ क्या हुआ है कि एक नेचुरल डेथ है या अननेचुरल डेथ है, तो ये सब हम एक जो सब डिसाइड करते हैं, ये सब एक फॉरेंसिक लैब के अंदर देखा जाता है, ठीक है। तो इसको देखते हुए हमारी जो एक फॉरेंसिक लैब है वो मेनली आपको तीन टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक। कौन सी तीन टाइप की सर्विसेज, क्लिनिकल सर्विसेज, पैथोलॉजिकल सर्विसेज एंड लैबोरेटरी सर्विसेज। इसके अलावा कुछ अलग अलग और भी हैं लेकिन ये मेन तीन सर्विसेज हैं। इसके अलावा क्या, आप जैसे एक लाइब्रेरी रूम होता है, ठीक है, इसके अलावा एक एग्जिबिट रूम होता है, स्टोर रूम होता है, ये सब अलग अलग चीज़ें, ये सबऑर्डिनेट चीज़ें जो कि ऑब्वियसली किसी भी एक संस्थान को चलाने के लिए आपको चाहिए ही, बट मेनली ये तीन टाइप की सर्विसेज आपको देते हैं, ठीक है। क्लिनिकल सर्विसेज में क्या होता है, क्लिनिकल सर्विसेज में मेनली एग्जामिनेशन किया जाता है ऑफ द असॉल्ट, ठीक है, जिसमें हम क्या सोच मतलब जिसमें हम क्या देखते हैं कि क्या हो सकता है, सेक्सुअल ऑफेंस हो सकता है, ठीक है, केस ऑफ ड्रंकननेस भी हो सकता है, ठीक। इस टाइप के केसेस का हम क्या देखते हैं, फाइनली एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब हम पैथोलॉजिकल सर्विसेज की बात करते हैं कि एक लैबोरेटरी हमें कौन सी पैथोलॉजिकल सर्विसेज दे सकती है, तो उसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्या देखते हैं, केमिकल एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक है, सैंपल्स आते हैं, स्टेन्स आते हैं, तो उन सब पर डिफरेंट केमिकल एनालिसिस किए जाते हैं। फिर और क्या हो सकता है, टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस किए जाते हैं, ठीक, सेरोलॉजी परफॉर्म की जाती है, फिंगरप्रिंटिंग देखी जाती है, ठीक है, फोटोग्राफी की जाती है, तो ये सब आ जाते हैं आपके पैथोलॉजिकल सर्विसेज में। नेक्स्ट आते हैं लैबोरेटरी सर्विसेज पे। तो लैबोरेटरी सर्विसेज में क्या किया जाता है, मेनली हम कहते हैं कि लैबोरेटरी सर्विसेज में हम कंसिडर करते हैं म्यूजियम। नाउ दिस इज नॉट द वन जो आप डायनासोर का म्यूजियम समझे, नो, दिस म्यूजियम इज अबाउट रेफरेंसेज, ठीक है। रेफरेंसेज किसके अकॉर्डिंग, होता क्या है कि जब हम हमारे पास जब कोई केस आता है तो उसमें हमें कुछ सुराग मिलते हैं, राइट, क्या सुराग, जैसे किसी का हेयर का आपको वो मिला, एक हेयर फॉलिकल मिला, ठीक है, या फिर एक प्रॉपर थिन लाइन हेयर मिला है, या फिर इसके अलावा क्या हो सकता है, क्लॉथ्स मिले हैं जो कि फटे हुए हैं। क्लॉथ्स के फटने से भी हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके से ये क्राइम कन्विक्ट किया गया होगा, जस्ट बाय लुकिंग एट द मैनर कि वो क्लॉथ कैसे फटा। तो इट्स अ वेरी डीप साइंस। तो इन सबको जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरिजन के लिए हमें कोई रेफरेंस चाहिए, तो ये रेफरेंसेस आपके म्यूजियम में रखे जाते हैं, राइट। तो जब हम रेफरेंसेस को म्यूजियम से, मतलब अगर जैसे आपके पास जब केसेस आते हैं और नहीं डिसाइड कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल नहीं डिसाइड कर पा रहे कि ये ह्यूमन का हेयर है या एनिमल का हेयर है, तो इसके लिए आप रेफरेंसेस ले सकते हैं म्यूजियम से। तो म्यूजियम में डिफरेंट टाइप के रेफरेंसेज रखे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे हैंडराइटिंग के रेफरेंसेज रखे जाते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स के रेफरेंसेज रखे जाते हैं, बोथ मैन एंड फीमेल, तो ठीक है, इसके अलावा एनिमल्स के भी रखे जाते हैं, सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि एनिमल का कौन सा है और मैन का कौन सा है, राइट। इसके अलावा और भी चीजें रखी जाती हैं, जैसे क्लॉथिंग सैंपल्स हो गए,
ठीक है, नाइव्स हो गए, स्टैब्ड नाइव्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी म्यूजियम के अंदर रखी जाती है फॉर रेफरेंसेस। तो मेनली ये तीन टाइप की सर्विसेज आपको एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी परफॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक, अब जब इतनी बड़ी आपने एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बनाई है तो इसको मैनेज करने के लिए आपको स्टाफिंग भी चाहिए। तो स्टाफ को मेनली पांच लेवल्स पे डिवाइड किया गया है। ओके, सबसे पहले आते हैं आपके डायरेक्टर, सेकंड आते हैं आपके क्लिनिकल सर्विसेज, थर्ड आते हैं आपके पैथोलॉजिकल सर्विसेज, फोर्थ आते हैं आपके लैबोरेटरी सर्विसेज एंड फिफ्थ इज अदर्स। ओके, जो सबसे पहले हमने कंसिडर किया डायरेक्टर, डायरेक्टर कौन होता है, डायरेक्टर के लिए कौन एलिजिबल है, या तो एनी पर्सोनल हु इज बिलोंगिंग टू मेडिकल फ्रेटर्निटी और एनी पर्सोनल हु इज बिलोंगिंग टू साइंस, मतलब साइंस बैकग्राउंड से जो भी हो, तो वो साइंटिफिक फ्रेटर्निटी से जो भी आ रहा है तो उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज योर क्लिनिकल सर्विसेज। तो क्लिनिकल सर्विसेज ऑब्वियसली बात है फिजिशियन रेंडर करेंगे, बट इन केस ऑफ फीमेल सस्पेक्ट या फीमेल विक्टिम, अगर फीमेल आ रही है तो उसके केस के लिए हमें एक ऑब्स्टेट्रिशियन भी चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट वन इज योर पैथोलॉजिकल सर्विसेज। तो पैथोलॉजिकल सर्विसेज परफॉर्म करने के यू नीड पैथोलॉजिस्ट, राइट। लैबोरेटरी सर्विसेज है तो लैबोरेटरी सर्विसेज को परफॉर्म करने के लिए सेरोलॉजिस्ट चाहिए, फोटोग्राफ्स खींचने के लिए फोटोग्राफर चाहिए, राइट। टॉक्सिकोलॉजिकल सर्विसेज करनी है तो उसके लिए भी आपको लोग चाहिए। कूल, द नेक्स्ट वन इज अदर्स। अब अदर्स में क्या हुआ, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें सबऑर्डिनेट और भी चीज़ें चाहिए रहती है, जैसे लाइब्रेरी हो गया, एग्जिबिट रूम्स हो गए, स्टोर्स हो गए, तो इनके मैनेजमेंट के लिए भी हमें लोग चाहिए, राइट। ये डॉक्टर्स तो मैनेज करेंगे नहीं, सो दे नीड सबऑर्डिनेट हेल्प। तो उसके लिए जैसे लाइब्रेरी मेंटेन करने के लिए लाइब्रेरियन हो गया, तो ऐसे भी हमें हेल्प चाहिए रहती है। तो इस तरीके से जो एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की स्टाफिंग है उसको कैटेगराइज किया गया है, राइट। अभी हमने ये बात करी कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी आपको किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और किस तरीके से उसकी स्टाफिंग की जाती है। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द पॉइंट कि उसके एम्स क्या है। तो फर्स्ट एम ऑफ अ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इज टू एग्जामिन, कंपेयर एंड इवेल्युएट द फिजिकल एविडेंस। आई एम रिपीटिंग, टू एग्जामिन, कंपेयर एंड इवेल्युएट। इसका सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक एविडेंस आता है, राइट। नाउ यू डोंट नो कि ये एक्चुअली में एविडेंस है या नहीं है, यू हैव टू एग्जामिन, जिस पे आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट करोगे, केमिकल टेस्ट करोगे, सेरोलॉजिकल टेस्ट करोगे, फिंगरप्रिंट है तो फिंगरप्रिंटिंग टेस्ट करोगे, बहुत सारी चीज़ें आप अलग अलग मैच करोगे अगर फिंगरप्रिंट्स हैं तो, ठीक है। आप इस सब का क्या करोगे, एग्जामिनेशन करोगे। नाउ आफ्टर एग्जामिन आई टोल्ड यू कंपेयर, राइट। कंपेयर किससे करोगे, तो कंपैरिजन के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया था म्यूजियम में क्या रखे जाते हैं, रेफरेंसेस। आप उन रेफरेंसेस से कंपेयर करोगे इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन, राइट। नेक्स्ट, इफ यू आर इन अ मिडल ऑफ अ केस, आपके पास पहले भी कभी कोई फिंगरप्रिंट्स आए थे, आप उनसे कंपैरिजन करोगे, ठीक है। मान लो आपको दो टाइप के हेयर मिले, दोनों अलग अलग लोगों के हेयर हैं, राइट, देन डू यू नीड टू कंपेयर। सो यहाँ पे क्या होता है, कंपेरिजन वाले फेज में हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट तरीके से एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, वेयर वी ट्राई टू रीच अप टू सम कंक्लूजन, राइट। नेक्स्ट आई टोल्ड यू टू कंक्लूड मीन्स टू इवेल्युएट। आफ्टर इवेल्युएटिंग, आफ्टर डिसाइडिंग एवरीथिंग, जब आप सारी चीजें सारे टेस्ट कर लेते हैं, देन यू रीच अ कंक्लूजन कि फाइनली ये एक फिजिकल एविडेंस है या नहीं है, है तो किसके अगेंस्ट है, राइट। ये आपको एक फाइनल रिजल्ट में पहुंचने पर हेल्प करता है। द नेक्स्ट एम ऑफ अ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इज टू प्रोटेक्ट द इनोसेंट, राइट। जो गुनहगार है उसको सजा आपको दिलवानी है, तभी आप ये सारी चीजें ढूंढ रहे हैं कि किसके साथ असॉल्ट हुआ, किसने पॉसिबली किया होगा, कैसे एक क्राइम कन्विक्ट किया गया होगा, राइट। ऑल दिस इज जस्ट फॉर वन रीजन कि आप एक इनोसेंट को बचा सके, राइट। देन नेक्स्ट, द थर्ड एम ऑफ द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी इज कि जैसे जो हमारे पास ट्रेनिंग ऑफिसर्स आते हैं, राइट, पुलिस ऑफिसर्स, तो उनको ट्रेन किया जाता है मीनवाइल कि उनको कैसे ये डिसाइड करना है
कि जो वो देख रहे हैं क्राइम सीन पर, वहां पर कौन कौन सी चीजें एक एविडेंस का काम करेंगी, राइट? फिर अगर उनको समझ आ गया है कि कौन सी चीजें एविडेंस है, तो उनको कलेक्ट कैसे करना है, प्रिजर्व कैसे करना है, और सेफली उसे फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी तक कैसे पहुंचाना है। तो ये सारी चीजें हमें एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी बनाते टाइम, उसमें काम करते टाइम हमेशा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए। ओके, नाउ जब फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में बहुत सारी आपको चीजें हैंडल करते हैं, राइट? हर चीज को हैंडल करने का तरीका अलग है। आपके पास फिंगरप्रिंट्स आएंगे, आपको उनको हैंडल करना है, राइट? तो इस तरीके से कौन कौन सी चीजें आपको एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में जरूरत पड़ सकती है हैंडल करने के लिए, राइट? तो क्या क्या देखते हैं, जैसे आपके पास क्या क्या सैंपल्स आ सकते हैं? क्लोदिंग के सैंपल्स आ सकते हैं, फुटप्रिंट्स क्या आ सकते हैं, फिंगरप्रिंट्स क्या आ सकते हैं, नाइफ्स आ सकते हैं, स्टैबिंग जिससे की जा सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास नेल्स आ सकते हैं, राइट? बड़े नाइफ्स आ सकते हैं। इसके अलावा और क्या आ सकता है, मान लो सॉइल के सैंपल्स आ सकते हैं। मान लो अगर बरिड बॉडी निकाली है, तो हम हमेशा ये देखते हैं कि बरिड बॉडी अगर पुरानी है, ज्यादा डिकम्पोज हो गई है, तो हम उसके आसपास की सॉइल भी कलेक्ट करते हैं, राइट? तो सॉइल सैंपल्स भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैंडल करने की जरूरत पड़ती है। नाउ नेक्स्ट वी आर कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑन विच अ फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वर्क्स। ये आपने बहुत ज्यादा फिल्म्स में भी सुना होगा, सीआईडी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, तो उसमें भी सुना होगा कि चोर जब जाता है तो कुछ ना कुछ सुराग छोड़ के जाता है। हैव यू हर्ड ऑफ दिस? सो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? दिस इज नॉट जस्ट अ लेमन सेंटेंस, बट दिस इज एक्चुअली अ प्रिंसिपल ऑन विच द फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी वर्क्स। सो व्हाट इज दिस प्रिंसिपल? दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लोकार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल, राइट? यहाँ पे सिर्फ सुराग नहीं बोला है उन्होंने, या फिर कोई सिर्फ फिंगरप्रिंट्स की बात नहीं की है, उन्होंने ये बात की है। लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल में ये बताया गया है कि वेन एवर टू ऑब्जेक्ट्स कम इन टू कॉन्टैक्ट, देर इज ऑलवेज एन एक्सचेंज ऑफ मटीरियल बिटवीन देम, राइट? नाउ दैट मटीरियल ऑलवेज सर्व्स एज एन एविडेंस, राइट? सो मीन वाइल वेन अ कन्विक्ट इज कन्विक्टिंग अ क्राइम, ही ऑलवेज लीव सम फुटप्रिंट्स, हेयर फॉलिकल्स और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विच एक्ट एज अ एविडेंस अगेंस्ट हिम। दिस इज रेफर्ड एज लोकार्ट्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। अब क्या क्या चीजें होती हैं जो एक्सचेंज हो जाती है? फिंगरप्रिंट्स होते हैं, फुटप्रिंट्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, राइट? इसके अलावा क्लॉथ्स के फाइबर्स होते हैं, वो भी छूट जाते हैं, राइट? तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं जो आपको एक एविडेंस के रूप में मिल सकती है, और एक केस को लिटरली सॉल्व करने में हेल्पफुल भी होती है। सो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि एक फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में आपको किस टाइप के और किन किन चीज़ों के एग्जामिनेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं। सो एग्जामिनेशन विल ऑब्वियसली विल बी परफॉर्म्ड ऑन द एविडेंसेस यू आर रिसीविंग, राइट? तो किस किस चीज़ों के आपको एविडेंस, या फिर किन किन चीज़ों के आपको सैम्पल्स मिल सकते हैं? ब्लड स्टेन्स मिलते हैं, सीमन स्टेन्स मिलते हैं, ठीक है, यूरिन स्टेन्स या फिर यूरिन सैंपल मिलते हैं, एट टाइम स्टूल सैंपल्स भी मिलते हैं, हेयर फॉलिकल्स मिलते हैं, फुटप्रिंट्स, फिंगरप्रिंट्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं और इनके हम एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। बट इसमें से मेनली जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज योर ब्लड एंड सीमन स्टेन। तो इन दोनों को हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी आर बिगनिंग अप विद द ब्लड स्टेन्स फर्स्ट, ठीक? नाउ वी आर बिगनिंग विद द एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लड स्टेन्स। तो सबसे पहली बार जब आपके पास ब्लड स्टेन का सैंपल आता है, आपको ये देखना चाहिए कि ये किसका सैंपल है। ये एक ह्यूमन सैंपल है या फिर एनिमल स्पीशी का सैंपल है, राइट? अगर ह्यूमन सैंपल है तो कौन सी रेस को बिलोंग करता है? तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हम जब सैम्पलिंग परफॉर्म करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, तो मेनली ब्लड स्टेन्स का जो टेस्ट है वो हम तीन लेवल पर परफॉर्म करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, राइट? सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ ब्लड स्टेन।
तो फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे करते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं क्लॉथिंग पे कि क्लॉथ पे किस साइड ब्लड आया है, राइट। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस साइड मेनली घाव हुआ होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी नहीं मिली लेकिन सिर्फ क्लोथ्स मिले हैं, तो आप थोड़ा सा उससे आइडिया लगा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कि जो स्टेन्स हैं, राइट, वो किस साइज के हैं, जो क्लॉट है उसका शेप क्या है, राइट, और किस डायरेक्शन में है। हम इंजरीज वाले चैप्टर में ये बात करेंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपको एक चोट लगी है, ठीक है, एक नेल से चोट लगी है और खरोच आने की वजह से चोट लगी है। तो जिस साइड से आपको एक नेल की वजह से चोट लगी, उस साइड से क्या होगा, स्किन आपकी खुरच जाएगी, उधर उस साइड से आपकी जो स्किन है वो निकल जाएगी। लेकिन जहां से स्किन निकलेगी वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, टैग्स। तो जिस साइड टैग्स होते हैं उसके हमेशा अपोजिट साइड से डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो जो सस्पेक्ट है, जिसने क्राइम किया है, उसने किस डायरेक्शन से फोर्स लगाई होगी और किस जगह जाकर जो आपका विक्टिम है उसको घाव हुआ है, ठीक। साइज एंड शेप से आपको क्या पता चल जाता है, साइज से पता चल जाता है कि कितना बड़ा वुंड होगा, राइट, और शेप से क्या पता चल जाता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि किससे मारा गया होगा, ठीक है, किससे वो इंजरी पहुंचाई गई होगी, ओके। देन नेक्स्ट इज कि जो स्टेन है उसकी एज कितनी है। एज कैसे पता लगाएंगे कि अगर अभी रीसेंट स्टेन होगा तो वो रेडिश कलर का होगा, अगर वो 24 घंटे पुराना होगा तो रेडिश ब्राउन कलर का होगा, और 24 घंटे से भी ज्यादा टाइम हो गया है तो वो पॉसिबली ब्राउन या ब्लैक कलर का होगा, राइट। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वो जो ब्लड स्टेन है वो कितना पुराना है, ओके। सो नेक्स्ट वी आर कमिंग अप टू द केमिकल एग्जामिनेशन दैट आर बीइंग परफॉर्म्ड ऑन अ ब्लड स्टेन। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रिसीविंग स्पूटम विद ब्लड एंड यू डोंट नो कि उसके अंदर ब्लड है या नहीं है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दो टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, बेंजीडीन टेस्ट या फिर फिनोप्थेलिन टेस्ट, राइट। नेक्स्ट वन इज द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। सो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन क्यों किया जाता है, अगेन फॉर द सेम रीजन कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है या नहीं है, राइट, या फिर उसके अंदर आपको ये देखना है कि डिफरेंट कलरिंग एजेंट्स ऑफ ब्लड है कि नहीं है, जिससे ये आइडेंटिफाई हो सके कि जो आपके पास एविडेंस आया है उसके अंदर ब्लड है या नहीं है। तो ये सब देखने के लिए भी आपके दो टेस्ट परफॉर्म करे जा सकते हैं। वन इज योर टैकीमेंस हीम क्रोमोजन क्रिस्टल टेस्ट एंड द अदर वन इज हेमिन क्रिस्टल टेस्ट, राइट। स्क्रीन पे आपके नाम अपियर हो रहे होंगे तो यू कैन इजीली रेफर विद द प्रोनाउंसिएशन। ये तो मेन एग्जामिनेशन थे कि आप किसी भी ब्लड स्टेन या किसी भी ऐसा सैंपल जिसमें ब्लड है उसका एग्जामिनेशन कैसे करोगे। हमने सबसे पहला पॉइंट डिस्कस किया था कि जो आपके पास सैंपल आ रहा है वो एक एनिमल का है या फिर एक ह्यूमन का है, वो कैसे आइडेंटिफाई करें। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने इसको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, इम्यूनोलॉजिकल एंड एंजाइमोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ओके। इम्यूनोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मेनली हम तीन टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक। एक होता है आपका प्रेसिपिटिन टेस्ट, एक होता है आपका लेटेक्स टेस्ट, और एक होता है आपका हीम ए ग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट, ठीक है। ये आते हैं आपके इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका एंजाइमोलॉजिकल टेस्ट। सो एंजाइमोलॉजिकल एग्जामिनेशन में होता क्या है कि एनिमल और ह्यूमन सैंपल्स को अलग अलग करने के लिए एक स्पेसिफिक पैटर्न देखा जाता है, ठीक है। उस स्पेसिफिक पैटर्न का नाम क्या है, आइसो एंजाइम इलेक्ट्रोफोरिक पैटर्न, राइट। दिस पैटर्न इज स्पेसिफिकली सीन मेनली इन ह्यूमन ब्लड स्टेन्स एंड ऑल्सो इन सम स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, राइट। इसके अलावा मैक्सिमम एनिमल्स में ये पैटर्न नहीं मिलता, मेनली ह्यूमंस में ही मिलता है, ओके। नाउ दिस वाज द ब्रॉड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्टेन। हमारे पास ब्लड में भी कुछ वैरायटीज आती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मेंस्ट्रुअल ब्लड,
या फिर एबॉर्शन की वजह से जो ब्लड आया है वो। अब इन टाइप के ब्लड स्टेन्स को आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे एक दूसरे से भी और एक नॉर्मल ब्लड स्टेन से भी, ये एक पूछा गया क्वेश्चन है, MUHS का क्वेश्चन है ये आया हुआ। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है और बहुत प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, ये बात समझना कि आप किस तरीके से डिफरेंट टाइप के ब्लड स्टेन्स को आइडेंटिफाई करोगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया ये मेनली एक नॉर्मल नेचुरल जो ब्लड स्टेन्स हैं उनके लिए था, राइट? मतलब जो हमें नॉर्मली मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड। तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो मेनली आपको फीमेल के गारमेंट्स पे मिलता है, एक डिसएग्रीगेबल स्मेल के साथ होता है, राइट? साथ में ये थोड़ा सा फ्लूइडी होता है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर म्यूकॉइड डिस्चार्ज भी होता है और वेजाइनल डिस्चार्ज भी होता है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ज्यादा फ्लूइडी होता है। देन इट इज एसिडिक इन रिएक्शन, और साथ में इस ब्लड के आपको कुछ सेल्स भी मिलेंगे। किस टाइप के सेल्स मिल सकते हैं? जैसे जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसके सेल्स मिलते हैं, एपिथेलियल सेल्स मिलते हैं, राइट? इसके अलावा आपको म्यूकॉइड और वेजाइनल डिस्चार्जेस भी मिलते हैं। तो इन सब चीजों से आप मतलब एक आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर डिस्टिंग्विश कर सकते हो ये मेंस्ट्रुअल ब्लड है। तो इसको मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए भी हमारे पास कुछ टेस्ट है। कैसे टेस्ट है? जैसे अमीनो एसिड टेस्ट है, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस आइसोएंजाइम है। नेक्स्ट वी आर एमिंग टू आइडेंटिफाई ब्लड ड्यू टू पार्चुरेशन, राइट? तो पार्चुरेशन या अबॉर्शन की वजह से जो स्टेन्स आए हैं आप उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो स्पेशली हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए इस केस में कि ये मेनली ड्यू टू लिक्वर एमनिया होता है, ठीक है? तो इसमें क्या हो सकता है, आपको थोड़ा सा ग्रीनिश या येलोइश कलर का ब्लड मिलेगा, ठीक है? इसमें कंपैरेटिवली प्रोटीन की क्वांटिटी भी कम होगी, और साथ में आपको इसमें कुछ और सबॉर्डिनेट सैंपल्स मिल सकते हैं, जैसे लैन्यूगो मिल सकता है या फिर वर्मिक्स कैसोसा मिल सकता है। तो इनसे हमें ये पता चल जाता है कि ये मेनली या तो अबॉर्शन की वजह से आया हुआ ब्लड है या पार्चुरेशन की वजह से आया हुआ ब्लड है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लड एग्जामिनेशन, कि अगर आपके पास जितने भी ब्लड सैंपल्स आए, मे बी नोन और मे बी अननोन कि इसमें ब्लड है कि नहीं है, तो आप उसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें ब्लड है कि नहीं है, तो किसका है, ह्यूमन है, एनिमल है, राइट? तो ये सारी चीजें हमने अभी डिस्कस कर ली। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स सीमेन एग्जामिनेशन। तो सीमेन एग्जामिनेशन में भी हम डिफरेंट लेवल्स पे एग्जामिन करते हैं, मेनली फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोस्कोपिक लेवल, एज वी आर स्टडीड इन द ब्लड, ठीक है? तो जो सीमेन एग्जामिनेशन है वो मेनली आपको कब करना पड़ता है? सो इन केस ऑफ रेप, सोडोमी, बिसिटैलिटी, इन सब केसेस में हमें सीमेन एग्जामिनेशन करने की जरूरत पड़ सकती है, ओके? तो जो सीमेन है वो आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है? सीमेन आपको सस्पेक्ट के कपड़ों पे भी मिल सकता है, विक्टिम के कपड़ों पे भी मिल सकता है, बॉडी पे भी मिल सकता है, ठीक है? सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन। तो सीमेन जो है अगर आप फिजिकली देखें तो इट इज ऑफ ग्रेइश व्हाइट कलर, ओके? बट अगर आप उसे फिल्टर्ड यूवी रेज के अंदर एग्जामिन करें तो वो एक आपको फ्लोरोसेंट अपीयरेंस देता है विच इज ऑफ ब्लूइश कलर, राइट? विच इज ऑफ ब्लूइश व्हाइट कलर। देन नेक्स्ट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स केमिकल एग्जामिनेशन। तो केमिकल एग्जामिनेशन डिफरेंट तरीके से किए जा सकते हैं। सो किस टाइप के टेस्ट हम करते हैं फॉर केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ सीमेन? फॉर एग्जाम्पल एसिड फॉस्फेट टेस्ट, ओके? इसके अलावा हम बारबेरियोस टेस्ट भी करते हैं, देन अदर वन इज फ्लोरोसेंस टेस्ट, ओके? नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन मेनली हम कैसे करते हैं? फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, बिकॉज फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से क्या होता है, आप वाई क्रोमोसोम्स को डिटेक्ट कर सकते हैं इन एनी सैंपल, ठीक है? जिससे हमें ये पता चल जाता है कि सीमेन इसमें रहा होगा या नहीं रहा होगा, ओके? सो दिस वॉज मेनली ऑल यू नीड टू नो अबाउट सीमेन एग्जामिनेशन। एंड मेनली एग्जाम्स में भी अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है तो या तो ब्लड एग्जामिनेशन पे आता है या सीमेन एग्जामिनेशन पे आता है। इसके अलावा जो डेक्टाइलोग्राफी है, मतलब फिंगरप्रिंटिंग्स वाली जो है,
वो हम मेनली दूसरे चैप्टर्स में इसकी डिटेल स्टडी करते हैं, तो उसके बारे में हम वही पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अलावा हमें छोटे छोटे थोड़े से और एग्जामिनेशन पढ़ने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनेशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। तो सलाइवा का एग्जामिनेशन, पहली बात आपको सैंपल कहाँ से मिलेगा? सैंपल आप विक्टिम से भी ले सकते हैं, उसका भी लेंगे टेस्ट करने के लिए। आप जो सस्पेक्ट है उसका भी लेंगे सैंपल, सस्पेक्ट मतलब जो जिसको आप सस्पेक्ट कर रहे हैं उसका भी सैंपल लेंगे। नेक्स्ट इस पे कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो आयोडीन स्टार्च टेस्ट हमें ऑलरेडी पता है, हम स्कूल से परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो इस समय ये पता चल जाता है कि इसमें स्टार्च था कि नहीं था, किसका सैंपल है, ये सब चीजें हम पता करते हैं। नाउ टू आइडेंटिफाई ये जो सलाइवा का सैंपल है ये मेल का है या फीमेल का है, तो इसके लिए हमने जैसे पहले भी बात करी थी अभी कि इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट में हमने एक छोटा सा टेस्ट पढ़ा था, प्रेसिपिटेंट टेस्ट। तो प्रेसिपिटेंट टेस्ट इज वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट टेस्ट किसी भी सैंपल में परफॉर्म करने के लिए, टू आइडेंटिफाई वेदर द सैंपल इज ऑफ ह्यूमन और सैंपल इज ऑफ एनिमल स्पीशी, राइट। तो सिमिलरली फॉर सलाइवा एज वेल वी यूज प्रेसिपिटेंट टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग वेदर द सैंपल इज ऑफ एनिमल और इज ऑफ ह्यूमन। ओके, सो नेक्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन में जो यूरिन है वो आपको कपड़ों पे दिखेगा, और कपड़ों पे किस स्टेन्स के साथ दिखेगा? पेल येलो स्टेन्स के साथ आपको कपड़े पे यूरिन विजिबल होगा। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज कि इसको पता कैसे लगाएं ये यूरिन है। तो यूरिन के लिए मेनली हम फ्लोरोसेंस टेस्ट यूज करते हैं, बिकॉज वो एक फ्लोरोसेंस अपीयरेंस देता है अंडर यूवी लाइट। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस इज कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये मतलब एक ह्यूमन का है या एनिमल का है, तो उसके लिए हमने पहले भी डिस्कस किया द बेस्ट टेस्ट टू बी परफॉर्म इज प्रेसिपिटेंट टेस्ट। ओके, एंड द लास्ट पॉइंट इज जो यूरिन की स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, इट इज वेरी मच दैट ऑफ एमोनिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट यूरिन एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स फीकल मैटर एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन। तो हमें फीकल मैटर एग्जामिनेशन और स्टूल एग्जामिनेशन करवाने की जरूरत कब पड़ती है? मेनली इन केस ऑफ सोडोमी एंड बेस्टियालिटी, ठीक है। और जब हम इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवाते हैं तो हम इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स मिलते हैं, जैसे प्लांट सेल्स, स्टार्च कॉम्पोनेंट्स या फिर मसल फाइबर्स एटसेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट इज अगर हम इसका केमिकल टेस्ट करवाना हो, मतलब केमिकल एग्जामिनेशन करवाना हो, तो मेनली इसमें हम दो टाइप के टेस्ट करवाते हैं। ओके, एक तो होता है आपका एसिड फॉस्फेट टेस्ट एंड द अदर इज यूरोबिलिनोजन टेस्ट, ठीक। नेक्स्ट इफ यू वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम दैट ऑफ ह्यूमन सैंपल टू दैट ऑफ एनिमल सैंपल, तो उसके लिए हम फिर से सेम टेस्ट रिपीट करते हैं, दैट इज प्रेसिपिटेंट टेस्ट। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्टूल एग्जामिनेशन। तो मेनली हमें इन चार एग्जामिनेशन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना पड़ता है, इस चैप्टर में हमें मेनली जो पूछा जाता है। नाउ जस्ट टू लोअर योर बर्डन, कि अगर आपने सोचा हो कि मैंने इतने सारे टेस्ट के नाम लिए और ये सारे टेस्ट मतलब हमें इन डेप्थ भी पढ़ने पड़ेंगे, तो नो, मैंने आपको जितना इस वीडियो में बताया है उतना अगर आप लिख के आते हैं तो आपको एट पार मार्क्स मिलते हैं, बिकॉज यूजुअली लोग टेस्ट के नाम याद नहीं रखते। सो इफ यू आर लर्निंग द नेम्स ईदर जस्ट द नेम्स ऑफ द टेस्ट, यू ऑब्वियसली गेट द बेस्ट मार्क्स। ओके, एंड दिस इज वेरी मच सफिशियंट व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट फॉरेंसिक लैब एग्जामिनेशंस। बट वेट, वी आर नॉट कंप्लीटेड हियर, राइट। वी स्टिल हैव थ्री मोर टेस्ट टू रीड एंड विच आर वन ऑफ द वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन केस ऑफ यूजी एग्जामिनेशंस। ओके, अभी हम जो बात करने जा रहे हैं दे आर अबाउट फॉरेंसिक टेस्ट। अभी हमने जो पहले बात की दे वर एग्जामिनेशंस, राइट। उससे पहले हमने जो बात की थी दे वर जस्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट, दैट व्हाट अ लैबोरेटरी सर्व्स एंड व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक दैट व्हाट आर द स्पेसिफिक फॉरेंसिक टेस्ट। सो फर्स्ट वन इज द नैक्रो टेस्ट। नैक्रो टेस्ट में क्या होता है? द पेशेंट इज गिवन एन एनेस्थेटिक ड्रग, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो एक ट्वाइलाइट जोन में चला जाता है। मतलब उसे ये समझ नहीं आता कि मैं सच बोलूं कि झूठ बोलूं, या फिर मुझे किस तरीके से अपने आंसर्स को फ्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो पेशेंट है अगर उससे बहुत ज्यादा स्किलफुली क्वेश्चंस किए जाए तो वो आंसर्स फिल्टर नहीं कर पाता और स्ट्रेट आंसर्स देता है, राइट। तो वन ऑफ दीज टेस्ट इज नैक्रो।
Next is polygraph. Polygraph works on the assumption that the falsehood creates some biophysical and biochemical involuntary changes in the body. Right? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई झूठ बोलता है तो उनकी बॉडी के अंदर कुछ बायोफिजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस देखे जाते हैं और जिनको अगर हम बहुत क्लोजली मॉनिटर करें तो हमें ये पता चल जाता है कि जो मतलब सस्पेक्ट है उसने कहाँ झूठ बोला, वो क्या चीज़ हमसे छुपा रहा है और क्या हमें मतलब कहाँ पे उसे और ज़्यादा एग्जामिन करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है, जो पेशेंट होता है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन उसको हम डिफरेंट डिफरेंट कुछ सेंसर से कनेक्ट करते हैं, जैसे ECG हो गया, उसकी EEG भी मॉनिटर की जाती है. ठीक है, फिर सोडियम स्वेट डिटेक्टर भी लगाया जाता है. तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जब भी वो आंसर्स देता है तो इन सारी रीडिंग्स को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाता है और देखा जाता है कि वो कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ नॉर्मल है और रीडिंग कहाँ एबनॉर्मल आ रही है. ठीक है, तो जब हम इन रीडिंग्स को बहुत ज़्यादा क्लोजली मॉनिटर करते हैं तो हमें डिस्टिंग्विश करने में ईजी हो जाता है कि कहाँ सच बोल रहा है और कहाँ झूठ बोल रहा है. नेक्स्ट इज ब्रेन मैपिंग. तो ब्रेन मैपिंग में हम क्या करते हैं, मेनली कि जो पेशेंट है उसको हम डिफरेंट टाइप की पिक्चर्स दिखाते हैं. ठीक है, उसकी खुद के मतलब इंसिडेंसेस से, इवेंट से रिलेटेड. ठीक, कुछ इवेंट्स या कुछ इंसिडेंसेस को देखकर जो रिलेटेड हो उस क्राइम से तो उसके ब्रेन फंक्शनिंग में सडन चेंजेस ऑब्जर्व होते हैं. तो दिस इज ऑल कंप्यूटराइज्ड प्रोसेस. ये जो भी ब्रेन फंक्शनिंग है ये आपको कंप्यूटर पे विजिबल होती है. जो डॉक्टर्स हैं वो उसे बहुत ज़्यादा डेप्थ इन डेप्थ स्टडी करते हैं और पता लगाते हैं कि कहाँ कहाँ चेंजेस आए थे, कौन सी पिक्चर दिखाने के बाद सडनली पेशेंट का रिएक्शन चेंज हो गया, कौन सी पिक्चर दिखाने के बाद पेशेंट एकदम नंब हो गया. तो ये सारी चीज़ें ब्रेन फंक्शनिंग के थ्रू रिकॉर्ड की जाती है, जो कि एक बहुत ज़्यादा एक हेल्पफुल एविडेंस होता है. मतलब एक हेल्पफुल एक लीड होती है, नॉट एविडेंस बट एक लीड होती है, जिससे आपको पता चल सके कि आपको एविडेंस कहाँ ढूंढना है. राइट, कौन सा ऐसा इवेंट है कि जिसकी वजह से पेशेंट मतलब उस जगह से रिलेट कर रहा है, उस क्राइम से रिलेट कर रहा है. राइट, तो ये एक फाइनल लाइक पूरी एक इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रोसीजर होता है. राइट, तो मेनली हमने बात की कि फॉरेंसिक टेस्ट में हम मेनली तीन टाइप के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, नेक्रो टेस्ट, पॉलीग्राफ एंड ब्रेन मैपिंग. राइट, नाउ आई एम कंक्लूडिंग माई सेशन हियर ओनली. So, in this entire video, what did we discuss? We mainly discussed the 11th point of part B under the heading Agar Tantra, right? And the topic we were discussing was the forensic science laboratory, right? Where, what did we discuss? First, we discussed that what are the services that are rendered by a forensic science laboratory. Then, what is the staffing pattern? Later we discussed the aims of the forensic science laboratory and the kind of samples that an individual needs to handle while working in the forensic science laboratory. Then we started discussing a few samples, examination of a few samples that are being received. For example, blood samples, where we studied the physical, chemical and microscopic examination. We also studied that how we can distinguish the sample that of a human from that of a animal. Also, we discussed that what are the characteristic features of menstruation blood and that of parturition and abortion and how they are different from normal blood. Right, later we discussed that how the semen examination can be performed, that is the physical, chemical and the microscopic examination. Later we discussed the saliva examination, urine examination and examination of fecal matter. At last, we discussed the forensic tests that are being performed. Mainly, we discussed NACRO test, polygraph and brain mapping. Now, let us come to the point that how you have to prepare this entire portion or this entire chapter for the examination. So, this chapter is not asked, or this point of the syllabus is not asked more than 10 marks. So you can get questions of 10 marks, 5 marks or 2 marks, right? When we are discussing about the question under 10 marks, then under 10 marks you can get the complete heading as it is and then you need to explain this chapter the way we have discussed and the way you must have prepared the notes, right?
तो यू हैव टू राइट द एंटायर चैप्टर द वे वी डिस्कस्ड इन, बट व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट 10 मार्क्स राइट, देन व्हेन द 5 मार्क्स क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड, देन 5 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए आप क्या कर सकते हैं, 5 मार्क्स क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएंगे कि या तो आप ब्लड एग्जामिनेशन बताएं कि कैसे किया जाता है, या सीमेन एग्जामिनेशन बताइए, या सर्विसेज ऑफ अ फॉरेंसिक लैब पूछा जा सकता है. सो इस तरीके से 5 मार्क के आपके क्वेश्चन बनते हैं. एंड मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन अमंग ऑल इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन ब्लड एंड द नॉर्मल ब्लड, और द पार्चुरेशन एंड अबॉर्शन ब्लड फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल ब्लड. एंड द अदर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इज द फॉरेंसिक टेस्ट. यूजुअली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इसमें 3 जगह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए या फिर 2 मार्क्स के लिए भी आपको 2 जगह से क्वेश्चन या 3 जगह से हम मेनली डिसाइड कर सकते हैं कि क्वेश्चन आते हैं. जो लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल था उस पर 5 मार्क का क्वेश्चन भी बनता है, 2 मार्क का भी क्वेश्चन बनता है, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी की लोएस्ट मार्क्स किस पे है. जैसे मेरी यूनिवर्सिटी में जो लोएस्ट क्वेश्चन का जो मार्क्स आता है दैट इज 5 मार्क्स. तो लोकार्ट एक्सचेंज प्रिंसिपल हमारे में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज क्वेश्चन है, राइट. इसके अलावा 5 मार्क्स में आपको सिंपली पॉलीग्राफ सिंपल एक मतलब कोई एक भी टेस्ट आ सकता है. जैसे अगर आपको पॉलीग्राफ एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, या ब्रेन मैपिंग एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, राइट, या फिर जो हमारा ये था नैक्रो एनालिसिस वो एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, तो ये आपको 5 मार्क्स में मिल सकते हैं, ठीक है. तो इस तरीके से आपको अपना ये पूरा चैप्टर प्रिपेयर करना है द वे वी हैव डिस्कस्ड. यू विल फॉर्मुलेट नोट्स, इसके अलावा आपको हम नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे. सो इन नोट्स के अकॉर्डिंग आपको ये पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा. एंड वंस यू राइट द एंटायर द वे द नोट्स वी हैव फॉर्म्ड, तो उससे आपको 10 मार्क्स मतलब द मैक्सिमम मार्क्स दैट आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर वो भी कवर हो जाएंगे. सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज. टेक केयर.